दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम हरियाणा बोर्ड के बारे में, हरियाणा ओपन स्कूल के बारे में, यानी कि जिनकी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट मेरी आई है तो उनके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, कब से फॉर्म स्टार्ट है, कितनी फीस लगेगी और कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यदि जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आपको सारी बातों का पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूँ इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? यदि आपकी हरियाणा बोर्ड में, रेगुलर बोर्ड में दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट मेरी आई है तो आपका फार्म अभी तक नहीं भरा गया होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो स्टार्ट हुए थे वो एक पेपर वाले के हुए थे, वो भी रेगुलर बोर्ड में। अब जिनकी दो में मेरी आई है, तीन मेरी आई है रेगुलर बोर्ड में, अब उनके फार्म हरियाणा ओपन से भरे जाएंगे, ठीक है। अब वो हरियाणा बोर्ड से हरियाणा ओपन में जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं CTP, क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी। आप फार्म भरते वक्त इस चीज़ को देखोगे। उसके बाद दोस्तों, जिनकी हरियाणा ओपन मेरी आई है एक सब्जेक्ट में या एक से ज़्यादा में आई है तो उनके फार्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू क्लियर, STP, आपने शायद पढ़ा हुआ, ठीक है, STC, सब्जेक्ट टू क्लियर। तो दोस्तों, जो हरियाणा बोर्ड से हरियाणा ओपन में जाएंगे उनको STC CTP का सिलेक्ट करना है, और जो हरियाणा ओपन में है फिलहाल वो पहले से ही, उनको STC सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों, अब फार्म जिनके दो मेरी है, तीन मेरी है, सभी के स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, चाहे वो हरियाणा ओपन हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, अब आप इम्प्रूवमेंट के फार्म भर सकते हो पूरी सब्जेक्ट के लिए, और एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए भी आप फार्म अप्लाई कर सकते हो इम्प्रूवमेंट के। आपने यदि कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना है तो आप एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हो अब, ठीक है। तो दोस्तों, फीस क्या रहेगी, चाहे आपका दो सब्जेक्ट मेरी है चाहे आपका तीन सब्जेक्ट मेरी है, आपकी फीस सेम रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों, जो हरियाणा बोर्ड से हरियाणा ओपन में जाएंगे उनकी ₹100 एक्स्ट्रा चार्ज करके मैं इसमें बता रहा हूँ। जो हरियाणा ओपन में फिलहाल है उनके ₹100 आप कम कर लेना जो मैं बता रहा हूँ उसमें से। तो दोस्तों, छठे महीने की 1 तारीख से फार्म स्टार्ट हो चुके हैं और ये 20/6/2018 तक भरे जाएंगे ₹800 फीस में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, 21/6 से लेके 27/6 तक आपकी ₹100 लेट फीस ऐड हो जाएगी, इसमें आपकी ₹900 लग जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, 28/6 से लेके 4/7 तक ₹1100 में आपका फार्म भरा जाएगा। उसके बाद 5/7 से लेके 11/7 तक आप ₹1800 में फार्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपकी सब्जेक्ट कितने हो, आपके दो मेरी है, तीन मेरी है, चार मेरी है, कोई चक्कर नहीं है, आपकी फीस यही रहेगी, ठीक है। जो हरियाणा ओपन में पहले से हैं उनकी इसमें से ₹100 आप कम कर लेना, ठीक है। ये मैंने फीस बताई है हरियाणा बोर्ड से लेके जो हरियाणा ओपन में जाएंगे, ठीक है। तो और जो इनके एग्ज़ाम होंगे वो सितंबर के आसपास हो सकते हैं, लेकिन ये जिनकी एक से ज़्यादा मेरी है, यानी कि हरियाणा ओपन में, हरियाणा ओपन का तो हो सकता है सितंबर में एग्ज़ाम हो जाए, लगभग एग्ज़ाम मार्च में होने के चांसेस, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। दोस्तों एग्ज़ाम छोड़ो, वो तो बाद की बात है, एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन अभी मैंने आपको फार्म की बता दी कि फार्म कैसे भरना है, तो फार्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यदि आप CTP यानी कि हरियाणा बोर्ड से आप हरियाणा ओपन में जा रहे हो इस चीज़ के लिए फार्म भर रहे हो तो आपने अपने डॉक्यूमेंट भी सेंड करने पड़ेंगे। आपका जो फार्म निकलेगा उस पर आपके साइन होंगे और साथ में आपके और जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपने साथ में, आप बाय हैंड या बाय पोस्ट जो टू असिस्टेंट सेक्रेटरी हरियाणा ओपन स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी 12/70/21 इस एड्रेस पर आपको सेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। या तो आप CTP के भर रहे हो या आप एडिशनल भर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं, और जो भी भर रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट नहीं भेजने, ठीक है। तो बस यही थी वीडियो आज की, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।